हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से हो गए। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। दोस्तों, आज का वीडियो बनेगा गीजर्स के ऊपर, क्योंकि दोस्तों बहुत रिक्वेस्ट आ रही है कमेंट्स में कि वाटर हीटर्स के ऊपर वीडियो बनाएं, इलेक्ट्रिक गीजर्स के ऊपर वीडियो बनाएं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कितने तरह के गीजर्स मार्केट में अवेलेबल हैं और हमें कौन सा लेना चाहिए। क्योंकि जब हम किसी शोरूम पे या दुकान पे गीज़र लेने जाते हैं तो शोरूम वाले हमें कंफ्यूज कर देते हैं, ये वाला बढ़िया है जी, ये ले लो, इस कंपनी का बढ़िया है जी, ये ले लो, ये कम बिजली खाएगा, ये बिजली नहीं खाएगा। क्योंकि दोस्तों, उनको तो सारी चीज़ें बेचनी हैं, उनके लिए सब चीज़ें बढ़िया हैं, लेकिन हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमारे घर में यूज़ क्या है, कितना यूज़ है, किस हिसाब से हमें पानी की ज़रूरत है। क्योंकि गर्म पानी के लिए गीजर्स यूज़ होते हैं, तो हमें यह देखना होता है कि कितना गर्म पानी हमें चाहिए और हमारे घर में कितनी कैपेसिटी का गीज़र हमें लेना चाहिए और किस टाइप का गीज़र लेना चाहिए, क्योंकि टाइप भी बहुत हैं गीज़र्स में। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, तीन तरह के मेजरली वाटर हीटर्स या गीज़र्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनमें से सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रिक गीज़र्स बहुत फेमस हैं, मेजरली घरों में यही लगे होते हैं। उसके बाद जो बात करूं मैं गैस गीजर्स, जो कि LPG से चलते हैं, और तीसरे होते हैं सोलर गीजर्स, जो कि सौर ऊर्जा से चलते हैं। अब बात करते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक गीजर्स की, तो इलेक्ट्रिक गीजर्स में भी दो टाइप होते हैं, एक स्टोरेज टाइप और एक इंस्टेंट गीजर्स। इंस्टेंट गीजर्स जो होते हैं वो छोटी कैपेसिटी वाले होते हैं, यानी कि 1 लीटर से लेकर 6 लीटर वाले इलेक्ट्रिक गीज़र को इंस्टेंट गीज़र बोला जाता है। उनमें कम पानी स्टोर होता है, तो इसीलिए वो जल्दी गर्म हो जाता है और इंस्टेंटली आपको गर्म पानी मिल जाता है, इसलिए उनको इंस्टेंट गीज़र बोला जाता है। और अगर आपकी छोटी फैमिली है तो आप उनको लगा सकते हैं, या फिर ज़्यादातर तो वो किचन वगैरह के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब बात करें अगर स्टोरेज टाइप की, तो स्टोरेज टाइप की आपने देखा होगा कि बाथरूम में बड़े बड़े गीज़र लगे होते हैं लोगों के, उन्हीं को कहते हैं स्टोरेज टाइप के गीज़र, जिनमें पानी स्टोर होता है। तो 10 लीटर से लेकर 50 लीटर तक के स्टोरेज टाइप गीज़र अवेलेबल हैं मार्केट में। जितने फैमिली मेम्बर हैं, जिस हिसाब से हमारा यूज़ है, उस हिसाब से कैपेसिटी हम ले सकते हैं और उसको इंस्टॉल करा सकते हैं। उनकी बिजली की खपत थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो मैं एडवाइस करूँगा कि 5-स्टार रेटिंग वाला ही गीज़र लें आप, और किसी अच्छे ब्रांड का लें। क्योंकि आप सब जानते हैं कि बाथरूम में इंस्टॉल होता है, बिजली से चलने वाली चीज़ है, स्पार्क हो सकता है, कोई करंट लग सकता है, पानी में करंट आ सकता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किसी अच्छी कंपनी का ही आप वाटर हीटर लें, बिना किसी पैसे का लालच करे हुए। ठीक है भाई, 1000-1500 महंगा आ जाएगा, लेकिन अच्छी चीज़ ले लो, और वारंटी वगैरह भी देख के लेनी चाहिए उसकी। 7-7 साल की आजकल वारंटियां आ रही हैं वाटर हीटर्स की। तो बेसिकली मैं यहां पर ये बताना चाह रहा था कि जो स्टोरेज वाटर हीटर्स होते हैं वो बिजली से चलते हैं, बिजली अच्छी खासी लेते हैं और थोड़े से टाइम टेकिंग होते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा पानी को गर्म करना है तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लेते हैं वो। अगर आपको स्टोरेज टाइप का गीज़र चाहिए तो आप उसमें से इंस्टेंटली पानी गर्म नहीं ले सकते, उसको आपको नहाने से 15 या 20 मिनट पहले ऑन करना पड़ता है। लेकिन एक बार पानी गर्म होने के बाद, जैसे कि उसमें आप पानी 50 लीटर है सपोज, तो बहुत बंदे उस पानी को यूज़ कर सकते हैं, यानी कि नहा सकते हैं। अब बात करते हैं सोलर वाटर हीटर्स की। दोस्तों, सोलर वाटर हीटर्स भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ट्यूबुलर और एक होते हैं फ्लैट वाले। तो जैसे हमारी सोलर प्लेट होती है, इस तरह की एक प्लेट लगी होती है, तो दोनों ही तरह के बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। हालांकि अगर आपको ज़्यादा गर्म पानी चाहिए, जैसे 90 डिग्री तक का पानी चाहिए, तो आपको ट्यूबुलर एडवाइस किया जाता है, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन अगर आपको घर में यूज़ करना है तो जनरली 60-65 डिग्री का जो पानी है वो काफ़ी हो जाता है, क्योंकि हमें फिर ठंडा भी मिलाना ही होता है, आदत है हमारी। तो उस चीज़ में आपको फ्लैट वाला भी काम कर जाता है, और दोनों का प्रिंसिपल एक ही है, सौर ऊर्जा से चलते हैं, बिजली का कोई मतलब नहीं है। धूप आएगी तो पानी गर्म होगा, धूप नहीं आएगी तो पानी गर्म नहीं होगा। हालांकि उनमें एक प्रोविज़न दिया जाता है कि जब बादल हैं या धूप नहीं निकल रही है तो उसमें हीटिंग एलिमेंट लगाया जाता है, ताकि अगर आपको इमरजेंसी गर्म पानी चाहिए तो आप कर सकते हैं। दोस्तों, सोलर हीटर्स थोड़े से महंगे भी आते हैं और वो थोड़ी सी जगह भी ऑक्यूपाई करते हैं, क्योंकि उनका एक पूरा फ्रेम होता है जिनके ऊपर वो रखे जाते हैं या सेट होता है, पूरा असेंबल होता है,
और वो दोस्तों कम से कम 20 या 25 स्क्वायर फुट एरिया ले लेते हैं अगर आप 100 लीटर का कोई गीज़र लगवा रहे हो उनका। तो बेसिकली इफ़ेक्टिव तो बहुत होते हैं लेकिन हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि अपनी एक छत चाहिए। और दूसरी बात, सोलर गीज़र्स पे इन्वेस्ट करने का मुझे नहीं लगता कि इतना कोई फ़ायदा है, क्योंकि सर्दियां जो हैं वो ज़्यादा टाइम चलती ही नहीं है, 2 या 2.5 महीने होते हैं जिसमें हम गर्म पानी से नहाते हैं। तो इतने के लिए तो हम इलेक्ट्रिक गीज़र या फिर गैस वाला गीज़र बड़े आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। तो ऐट द एंड मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपका परिवार छोटा है और आपको इंस्टेंट गर्म पानी चाहिए तो आप इलेक्ट्रिक गीज़र लगवाएं इंस्टेंट वाला, या फिर गैस गीज़र लगवा लें, क्योंकि गैस गीज़र का खर्चा बहुत कम है और इंस्टेंट गीज़र जो हैं वो भी जो छोटे होते हैं उनकी पावर कंजम्पशन भी इतनी कोई खास नहीं होती है। हाँ, लेकिन अगर आपका परिवार बड़ा है, 7 से 8 मेंबर हैं, तो आपको स्टोरेज टाइप इलेक्ट्रिक गीज़र लगवाना चाहिए। सोलर वाटर हीटर जो हैं वो सिर्फ उन्हीं को ही मैं एडवाइस करूँगा जिनका घर बहुत ही बड़ा है और उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी चाहिए, वो ही लोग उसको लगवाएं, क्योंकि उनमें वही जगह भी चाहिए छत पे, तो वही लोग लगवाएं, यानी कि बंगले में वही लगवा सकते हैं उसे। बाकी जो लोग फ्लोर वगैरह में रहते हैं, अपार्टमेंट्स वगैरह में रहते हैं, वो उनके लिए नहीं बने हैं। तो होप सो आपको समझ आ गई होंगी कि किस तरह से कौन कौन सा गीज़र काम करता है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको बना के दूंगा गीज़र्स कौन से बेस्ट होते हैं मार्केट में, आप ले सकते हैं जो कि 5-स्टार रेटिंग के साथ आते हैं, और क्या क्या फ़ीचर्स होते हैं उनमें, ताकि आपको चयन करने में आसानी रहे अगर आप कोई गीज़र ढूंढ रहे हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करो ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।